हेलो दोस्तों, मैं रेणु दुबे देसी किचन बाय रेणु डी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मकई पोहा से बेहद टेस्टी झटपट तैयार होने वाला एक चाट की रेसिपी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये चाट की रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पोहा रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अपने मकई पोहा बनाने के लिए हमने दोस्तों गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई उस पर रख दी है, उसमें हमने तेल भी ऐड कर दिए। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मकई का पोहा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मकई पोहा कितनी अच्छी तरह से छान गया है। इसी तरह से दोस्तों अपने सारे मकई पोहे छान के निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपने सारे पोहे को फ्राई कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा मूंगफली भी फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली फ्राई करके उसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। दोस्तों, हमारा मकई पोहा एकदम रेडी है। अब इसमें जो हमें मिक्स करना चाट बनाने के लिए, वो सामग्री हम आपको दिखा देते हैं। खीरा काट लिया है हमने बारीक, और प्याज काट ली है, और बारीक टमाटर हमने काट के रख लिया है। और दोस्तों, हमने चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया है, और लाल मिर्च लिया है। घर पे कुटी हुई लाल मिर्च है दोस्तों, हमें इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं डालना है, लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं हम। और हमने इसमें खट्टा फ्लेवर लाने के लिए नींबू का रस लेने के लिए नींबू लिया है। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं दोस्तों। अपनी बारीक कटी हुई खीरा और प्याज को ऐड कर देंगे इसके अंदर, और बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, और इसमें हम ये अपना काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी समय हम इसमें ये नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये चाट बनता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा मकई का चाट बनकर एकदम रेडी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा चाट एकदम रेडी है, सर्व कर भी कर दिया हमने। दोस्तों, आप भी इस तरह से इस चाट रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। मकई का चाट आपको टेस्ट में कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।